हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 कप सूजी, 3/4 कप दही, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच तेल और 1 पैकेट इनो। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, थोड़े कड़ी पत्ते, 2-3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 1 नींबू और 1 चम्मच चीनी। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूजी, फिर डालेंगे हम इसमें बेसन, हमें इसमें सूजी और बेसन की मात्रा बराबर लेनी है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चलाते रहें। ये ध्यान रखिए कि इसमें लम्स ना पड़ने पाएं। ऐसे ही आप थोड़े थोड़े देर में पानी डालकर इसको चलाते रहें। अगर आप इसमें एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसीलिए हमें इसमें धीरे धीरे ही पानी डालना है। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब डालेंगे हम हल्दी और नमक। एक चम्मच चीनी, अब इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें इसे रखना है। आपको इस मिक्सचर को 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देना है। अब एक थाली में ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें ताकि ये थाली पर चिपके ना। अगर हम थाली में ऑयल नहीं लगाएंगे तो हमारा ढोकला इसमें चिपक जाएगा, तो इसीलिए आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब आप एक कढ़ाई में पानी डालकर इसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक हम अपने मिश्रण को तैयार कर लेते हैं। अब लास्ट में आपको इसमें इनो मिलानी है। इनो हमें लास्ट में ही मिलानी है क्योंकि अगर हम इसे पहले ही मिलाकर रख देंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है और जो स्पॉन्जीनेस में आती है वो नहीं आ पाएगी। इसे आपको 2 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यूसली घुमाते रहना है। अब हम इसमें तेल डाल लेंगे और इसे चला लेंगे अच्छे से। ये देखिए आप ऐसे ही स्पीड में इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। अब हम इसे थाली में पोर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है। आप इस कढ़ाई में ऐसा एक स्टैंड रख दें। स्टैंड पर आप रख दें थाली। अब हम इसे ढक देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं ताकि इसमें से स्टीम ना निकल पाए। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें। ये देखिए बनकर तैयार है। आप इसको टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं। अगर ये साफ निकल आती है तो मतलब हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसमें एक स्क्वायर की शेप में इनको काट लें। इसे काटने के बाद हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। ये हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है, इसके बाद इसमें राई,
उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, अब थोड़ी हरी मिर्च, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी, अब इस पानी को थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें से हम डालेंगे चीनी, आप चाहें तो चीनी स्किप कर सकते हैं, ये नींबू का रस, हमारा तड़का तैयार हो चुका है, अब आप इसे ढोकले पर डाल लें। तड़के में पानी डालने से हमें ढोकले में ड्राइनेस नहीं लगेगी खाने पर, इसीलिए हम तड़के में इसमें पानी डालते हैं। देखिए तैयार है हमारा स्वादिष्ट ढोकला। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन बिलो। गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।